सूरत हाल भी मालूम करते हैं, क्योंकि कराची के शहरी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं नए साल को लेकर या कोई भी ऐसा इवेंट हो। तो फयाज बताइएगा, आप किस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या मनाजिर हैं? फयाज से भी जानने की कोशिश करेंगे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, मुल्क भर में साल 2022 को वेलकम किया जा रहा है और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जा रहा है। गुड बाय 2021 और वेलकम 2022, और कराची के क्या मनाजिर हैं फयाज से जानेंगे। जी फयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है पोर्ट ग्रैंड में और कराची का सबसे बड़ा फायरवर्क्स का इंतजाम इस जगह पर किया गया है और लाखों की तादाद में लोगों ने जो है वो इस कराची के मुख्तलिफ जगहों का रुख करते हैं। और अगर इस पोर्ट ग्रैंड की जगह की बात की जाए तो तकरीबन 14,000 के करीब लोग हैं, मंचले हैं, जो यहाँ पर इस कॉन्सर्ट को इंजॉय करने और आतिशबाजी देखने आए थे। नए साल को पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है और इस वक्त आप मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे होंगे, एक बड़ी तादाद जो यहाँ पे मौजूद है। कॉन्सर्ट अभी भी जारी है, कुछ ही देर पहले कौमी तराना पढ़ा गया है और आतिशबाजी का एक बेहतरीन इंतजाम किया गया है और मंचले इस वक्त गानों पर रक्स कर रहे हैं, ढोल की थाप पर डांस कर रहे हैं, इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। और ये मनाजिर आपको खुसूसी तौर पर कैमरा मैन यूसुफ आपको दिखा रहे होंगे कि ऐसा एक बड़ी तादाद है जो यहाँ का रुख करती है और इंजॉय करती नजर आ रही है। बहुत उम्मीदें रखते हैं नए साल के साथ कि ये वाला साल जो है वो पिछले साल के मुकाबले में बेहतरीन गुजरे और बहुत ज़्यादा अच्छा नजर आए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस कदर रश है, चारों जानेबी लोग आ गए हैं और जो है वो यहाँ